इन दिस लेक्चर हम लोग जो है वो देखेंगे कि माया के अंदर ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सो सिंपली स्पीकिंग, माया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा क्रिएट मेन्यू के अंदर। इस मेन्यू के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं माया के अंदर बेसिक्स क्रिएशन के हिसाब से हैं, वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगी, सच एज नर्व्स, पॉली, सब्जीज, लाइट्स, कैमराज वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, अब ऑफकोर्स मैं इस टाइम सर इन सब चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू नहीं करूँगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखते जाएंगे। फिर इस वक्त जैसे जैसे कि जैसे मैं लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया था कि कैमरा को कैसे मूव किया जाता है, अल्टर दबा के लेफ्ट माउस बटन, मिडल माउस बटन एंड राइट माउस बटन। ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, लेट मी जस्ट डिलीट दिस। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्रिएट में गए, पॉलीगॉन्स में गए और स्फीयर उठाया। सबसे पहले मैं आई एम स्टार्टिंग विद पॉलीगॉन्स, कीपिंग इन माइंड पॉलीगॉन्स, नर्व्स एंड सब्डीज, ये तीन मुख्तलिफ टाइप की ज्योमेट्रीज हैं। डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्रीज का मतलब ये कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर और इनका जो शेप फॉर्मेशन है वो मुख्तलिफ है। तो बाहर आपको नर्व्स के अंदर भी स्फीयर मिलेगा, पॉलीगॉन के अंदर भी स्फीयर मिलेगा, सब्डी के अंदर भी स्फीयर मिलेगा, लेकिन ये तीनों स्फीयर्स की इंटरनल खसूसियात मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से तीनों अलग अलग हैं। इनका इस्तेमाल हर अपने हिसाब से मुख्तलिफ है। ठीक है, क्या इस्तेमाल है, किस तरह से होता है, वो जैसे हम आगे ऐसे चलते जैसे हम चलते जाएंगे इस चीज़ को हम डिस्कस करते चलेंगे। फिलहाल चीज़ें बनाने के हिसाब से पॉलीगॉन में स्फीयर में गए, सिंपली क्लिक किया, जैसे इसको आपने सेलेक्ट किया तो नीचे आपको एक हेल्प आ जाएगी कि ड्रैग ऑन द ग्रिड, इसका मतलब ये कि आपको ग्रिड के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करना है एंड योर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसी तरह से क्रिएट में गए, पॉलीगॉन में गए, फॉर एग्जांपल क्यूब उठाया, तो अब आपकी बार आपके पास हेल्प आ रही है कि ड्रैग द बेस ऑन द ग्रिड एंड देन पुल अप फॉर द हाइट। मतलब ये कि पहले तो क्लिक एंड ड्रैग करें तो आपका बेस बनेगा और जैसे क्लिक करके ऊपर ड्रैग करेंगे तो आपकी हाइट बन जाएगी। ठीक है, ये समझो टू स्टेप ऑपरेशन हुआ। इसी तरह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं माया के अंदर वो किसी न किसी तरीके से टू स्टेप या सिंगल स्टेप में क्रिएट होते हैं, जैसे कि कौन था, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग जाते हैं टोरस के अंदर, क्लिक एंड ड्रैग किया, इनिशियली इसका एक रेडियस बना, सेकंड क्लिक किया तो इसके थिकनेस को हमने डिफाइन किया और ऑब्जेक्ट आपका कन्फर्म हो गया। तो ये टू स्टेप ऑपरेशन है जिसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब ये ऑब्वियसली नर्व्स में गया तो सेम प्रोसेस है, सब्डी में गया तो सेम प्रोसेस है। ठीक है, ये हो गया क्रिएशन के हिसाब से कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। इस वक्त ऑफकोर्स मैं इनको क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, या क्लिक कर ड्रैग करके मैंने इनको डिलीट भी कर दिया। उसके बाद अगर आप इसी मेन्यू के अंदर थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, नीचे हमें दो ऑप्शन और नज़र आएंगे। ये दो ऑप्शन बेसिकली किसी हद तक थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त दोनों ऑन हैं तो हमने क्या किया कि एक स्फीयर उठाया, क्लिक एंड ड्रैग किया, एक स्फीयर बन गया, आपका टूल एग्जिट हो गया। ठीक है, क्रिएट पॉलीगॉन्स एग्जिट ऑन कंप्लीशन इस चीज़ को डिफाइन करता है। और दूसरा, क्योंकि हमने इसको क्लिक करके ड्रैग करके खुद ही एक इंटरेक्टिवली बनाया, इसीलिए ये ऑप्शन उस चीज़ को कंट्रोल करता है कि क्या आप इंटरेक्टिव बनाना चाह रहे हैं या माया खुद ही आपको बनाकर चीज़ें दे दें। एग्जिट ऑन कंप्लीशन अगर इसको मैं अनचेक करता हूँ तो अब क्या होगा कि अब जब हम दोबारा से स्फीयर सेलेक्ट करेंगे तो अब बेसिकली क्लिक एंड ड्रैग एक दफ़ा बना, लेकिन अब जब तीन दफ़ा हम इसको टूल को खुद मैन्युअली एग्जिट नहीं करेंगे, इस टूल को नहीं लीव करेंगे, तब तक हम ये ऑब्जेक्ट्स बनाते रहेंगे। तो ये टूल समझो आपका करंटली एक्टिव है। तो कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रैंडमली बनाने की नौबत आ जाती है तो हमें ये ऑप्शन अनचेक करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। अब इससे बाहर निकलने का तरीका ये है कि या तो आप कोई दूसरा टूल सेलेक्ट करो, जैसे कुछ और चीज़ बनानी आपको, या फिर सिंपली स्पीकिंग यहाँ पर आके सेलेक्शन मेन्यू पर आप क्लिक करो और आपका टूल एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग किया, सबको सेलेक्ट किया, मैंने डिलीट किया। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस चीज़ को ऑन रखते हैं, एग्जिट ऑन कंप्लीशन को। ठीक है, उसके बाद इंटरैक्टिव क्रिएटिविटी, अगर आपने इसको अनचेक कर दिया तो अब बेसिकली होगा ये कि जब आप पॉलीगॉन में आके स्फीयर पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्फीयर आपकी एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट के हिसाब से 0 0 पे बन जाएगा, इन अदर वर्ड्स ग्रिड के सेंटर पे बन जाएगा। ये माया का दर हकीकत पुराना तरीका है। जब शुरू में माया आया था, आई थिंक माया 7 तक यही वर्जन होता था कि आपको मैन्युअली जैसे ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली किसी हद तक ये चीज़ें काम हैं, अभी भी किसी हद तक ये चीज़ें जो हैं जैसे लाइट्स या कैमराज हैं तो इस आपको इसके अंदर एज सच कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी के। वजह ये कि ये अभी भी जब भी आप क्रिएट करने जाओगे, जैसे अगर मैं स्पॉटलाइट बनाता हूँ तो अभी भी बाई डिफॉल्ट आपकी 0 0 पे बनेगी। ठीक है, इसी तरह से इफ आई गो इनटू क्रिएट कैमराज, कैमरा बनाऊँ तो वो कैमरा भी आपका 0 0 पे ही बनेगा। तो लाइट्स और कैमरास के लिए ये चीज़ें अभी भी सेम ही है कि वो हमेशा 0 0 पे बनेंगी। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। ऑब्वियसली जब हम लाइट्स पे जाएंगे तो उसको थोड़ा सा और हम
डिस्कस करेंगे। फिलहाल ऑब्जेक्ट्स के लिए इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी हम लोग यूजली टर्न ऑन कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा आसान होता है कि आप फिर कहीं किसी दूसरी जगह पे ऑब्जेक्ट बड़ी अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस किसी माया के अंदर इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी है, मतलब कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो आपको पहले क्लिक करके उसकी बेसिक शेप को खुद ही ड्रैग करना के बनाना पड़ेगा। एक चीज़ का ख्याल रखें, जब भी आपको टूल टिप आती है तो आपको ये बताया जाएगा कि भाई मेक श्योर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड। ठीक है, अगर आप ग्रिड के अलावा बाहर कहीं किधर और बनाते हो तो ऑब्जेक्ट आपका नहीं बनेगा। ठीक है, सी इफ आई क्लिक आउटसाइड तो अब वो बनेगा, तो फिर वो एक इनवैलिड इम्प्रॉपर शेप में बनेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए माया के अंदर ज़रूरी है कि आप उसको ग्रिड के ऊपर बनाया जाए। दूसरी चीज़ इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी का मतलब ये कि उसमें आपको 2 से 3 क्लिक्स करने पड़ेंगे। क्लिक्स का मतलब ये माउस क्लिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पाइप बनाता हूँ तो एक सिंगल क्लिक करके ड्रैग किया तो इसका बेस बना। अब ड्रैग अप टू सेट हाइट मीन्स कि अब मैंने क्लिक करके ड्रैग किया तो उसकी हाइट बनी। फिर तीसरा क्लिक मुझे दोबारा से वो कह रहा है कि भाई ड्रैग एंड टू एडिट द थिकनेस, अब तीसरे क्लिक में मुझे करना पड़ेगा। तो ये इस ऑब्जेक्ट के लिए मुझे 3 क्लिक्स की जरूरत पड़ी थी। अगर मैं आ जाता हूँ आपका क्यूब के अंदर, तो क्यूब के अंदर मुझे 2 क्लिक्स की जरूरत पड़ी थी, बेसिक बेस एंड क्लिक एंड ड्रैग फॉर द हाइट। इसी तरह से एक और ऑब्जेक्ट इसके अंदर हीलिक्स करके, अगर हम हीलिक्स के अंदर आते हैं तो इसमें हमें 4 क्लिक की जरूरत पड़ेगी। तो इनिशियली बेस बनाया, फिर इसका हाइट दी, फिर तीसरा उसके नंबर ऑफ टर्न्स दिया क्लिक करके ड्रैग किया, और फिर चौथी दफ़ा उसकी थिकनेस को हमने कंट्रोल किया। इसमें 4 क्लिक्स की ज़रूरत पड़ी। तो हर ऑब्जेक्ट की अपने हिसाब से चीज़ों की क्लिक्स की ज़रूरत पड़ रही होती है। ऑब्वियसली हेल्प आ रही होती है तो उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखना पड़ता है कि क्या हेल्प आ रही है। ऑब्वियसली इनकी जो सेटिंग्स हैं हम बनाने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। वो सेटिंग्स अब कैसे चेंज करेंगे मैं भी उस पर आता हूँ। ठीक है, तो वंस यू हैव क्रिएटेड दिस ऑब्जेक्ट, अगेन रिमेंबर कि अल्टर दबा के लेफ्ट माउस बटन से आपने कैमरा रोटेट किया, मिडल माउस से लेफ्ट एंड राइट किया एंड जूम इन जूम आउट किया। अच्छा, अब वंस यू हैव क्रिएटेड दिस ऑब्जेक्ट, अगर आपने एक दफ़ा ऑब्जेक्ट बना दिया तो ऑब्वियसली इनको क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और बनाने के बाद अब अगर आपकी इसकी साइज चेंज करनी है तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, साइज कैसे चेंज की जाएगी? एक तो तरीका ये होता है कि जब हम यहाँ पे जाते हैं तो एज यू कैन सी कि जैसे पॉलीगॉन के सामने कुछ स्क्वायर बॉक्सेस दिए हुए हैं। ये स्क्वायर बॉक्सेस बेसिकली उनके ऑप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई क्लिक ऑन दिस तो मेरे पास उस चूज के ऑप्शन आ गए। ऑप्शन का मतलब ये कि मुझे बताएगा कि आपको विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, डेप्थ कितनी चाहिए, आपको उसकी एक्सिस इंटरनली एक्स वाई जी के हिसाब से कैसे चाहिए। अप एक्सिस से हम कहते हैं, अप एक्सिस का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाय डिफॉल्ट माया के अंदर वाई एक्सिस जो है ऊपर की तरफ होता है, अप पॉइंट्स अपवर्ड। दूसरा उसमें फिर सब डिविजन्स कितनी होनी चाहिए विड्थ हाइट और डेप्थ के हिसाब से, वो बाय डिफॉल्ट 1 1 1 है। सब डिविजन्स क्या होते हैं मैं आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, इंटरनल कंपोनेंट्स जब हम ऑब्जेक्ट के एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं सेट की थी, लेकिन 90% ऑफ टाइम हम इसको शुरू में नहीं करते। 90% ऑफ टाइम ऐसा होता है कि हम चीज़ें जो है वो बनाने के बाद उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, इनिशियली हमने क्यूब बनाया, जैसे कि फाइल, लेट मी जस्ट डिलीट दिस, मैंने इसको डिलीट कर दिया, मॉडिफाई में गए, सॉरी क्रिएट में गए क्यूब। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग और मैंने क्यूब बनाया। अब इस क्यूब की मैं कुछ साइज़ और प्रोपोर्शन को चेंज करना चाह रहा हूँ। अगेन इस टाइम मैं कैमरा मूव कर रहा हूँ, अल्टा दबा के लेफ्ट माउस बटन, मिडल माउस बटन। ठीक है, ये वही चीज़ यूज हो रही है। तो लेफ्ट माउस बटन से कैमरा रोटेट हो रहा है, मिडल से ट्रैक हो रहा है। ठीक है, जूम इन जूम आउट राइट माउस बटन से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब आपको आना पड़ेगा चैनल बॉक्स में, जो कि यहाँ पे ये रहा, इस आइकॉन पे क्लिक कीजिए, चैनल बॉक्स आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा तो कंट्रोल ए आपका शॉर्टकट है, प्रेस कंट्रोल ए फॉर टू एक्सेस द चैनल बॉक्स। ठीक है, चैनल बॉक्स के अंदर आपको पी क्यूब आ रहा है, ऑब्वियसली आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉक्स _1 या जो भी आपको मुनासिब लगे। उसके बाद ये आ रही है उसकी ट्रांसलेट वैल्यूज़, ट्रांसलेट मतलब उसकी पोजीशन वैल्यूज़ कि इस वक्त लोकेशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद है, इसकी रोटेशन वैल्यूज़ क्या है, इसकी स्केल साइज़ वैल्यूज़ क्या है। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो एक इनपुट्स लिखा हुआ है, इनपुट्स में एक्चुअल में हमें स्क्रॉल डाउन स्टिल मोर थोड़ा सा नीचे आया तो इनपुट्स, उसके नीचे पॉलीक्यूब पे हमने क्लिक किया तो अब इस पॉलीक्यूब की हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, ये दर हकीकत इसकी हिस्ट्री है, मतलब बनाने के बाद इसकी जो हिस्ट्री हमने मेंटेन की हुई है इसने, कि भाई बनाने के बाद आप इसकी साइज डेप्थ विथ अब देख सकते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल 777 है, मुझे 6 6 के हिसाब से एक बॉक्स चाहिए, मैंने 6 एंटर किया क्लिक एंड एंटर तो इसकी तीनों वैल्यूज 6 हो गई। अब ये तीनों वैल्यूज मैंने एक साथ चेंज की, आप चाहें तो अलग अलग क्लिक करके चेंज करें या क्लिक एंड ड्रैग करें, तो क्योंकि मैंने एक साथ तीनों को सेलेक्ट किया है तो जो वैल्यू मैं यहाँ पे एंटर करूँगा वो ऑटोमेटिकली वही चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए नीचे सब डिविजन्स में, मैं इसको भी अल्टर कर सकता हूँ। वैसे सर, सब डिविजन हम बाद में एक्सपात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं,
आगे। इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप बनाने बैठेंगे तो उसकी आप प्रॉपर्टीज चेंज की सकती है। जैसे कि अगर मैं वापस हेलिक्स उठाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, क्लिक एंड ड्रैग किया, बेस बना, इसकी हाइट बनाई, अगेन क्लिक किया, नंबर ऑफ टर्न्स और फिर थिकनेस दी। अब मुझे लग रहा है मुझे इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा टर्न्स और ऐड करनी है, शुरू में बन गया, तो सिंपली हमें चैनल बॉक्स में आना पड़ेगा। चैनल बॉक्स हमारा इस बटन से एक्सेस होता है, यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। दोनों इसके शॉर्टकट्स हैं, बाय डिफॉल्ट ओपन अक्सर आ जाता है। अगेन ये इसकी वैल्यूज आ गई। अगर आपने इसकी ट्रांसलेट वैल्यूज को जीरो कर दिया, तीनों को सेलेक्ट करते हो, तो मतलब ये कि ऑब्जेक्ट आपका एग्जैक्टली जीरो जीरो पे चला जाएगा, सेंटर पोजिशन पे, ठीक है। और फिर हम इसको चाहे तो मूव करके नई पोजिशन पे ले आ सकते हैं। मूव अगेन मैंने कैसे किया, इस टाइम मूव टूल यहाँ से सेलेक्ट किया और इन एरोज पे क्लिक एंड ड्रैग करके मैंने मूव किया इसको। लेकिन आई गेस आई सेड इसके ऊपर हम पूरा एक और लेक्चर है अगला, जिस पे बात किया जाएगा कि भाई ऑब्जेक्ट्स को मूव कैसे कर रहे हैं। फिलहाल सिर्फ चीज़ों मद्देनजर रखनी ये है कि मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, इसके इनपुट्स में गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे अब इसकी सारी सेटिंग्स आ गई कि कॉइल्स कितने होने चाहिए। अब इसको मैं चाहूँ तो नंबर एंटर करूँ, या फिर विजुअली भी मैं एडिट कर सकता हूँ बाय सिंपली सेलेक्टिंग द नेम, नाम पे क्लिक किया, व्यूपोर्ट में आए, मिडल माउस बटन जो हमारा स्क्रॉल व्हील है उसको नीचे प्रेस करें, मिडल माउस बटन जो हमारा बीच वाला, और लेफ्ट या राइट ड्रैग करें, तो अभी आपका वर्चुअल स्लाइडर बन गया। आपने कर्सर को देखा कि दो एरोज में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे मैंने नाम पे क्लिक किया हुआ है और अब मैं व्यूपोर्ट में इसको एडिट कर सकता हूँ। ये किसी भी माया के ऑप्शन को हम चेंज करने के लिए सेम ही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक्स में मूव करना है तो मैं एरो से मूव करूँ, या उसके नाम पे क्लिक करके व्यूपोर्ट से मिडल माउस पे क्लिक करके ड्रैग करूँ तो भी वो एक्स पे ही मूव करेगा। सिमिलरली कॉइल्स मैंने कहा इसमें दो चार ज़्यादा होने चाहिए हाइट पे, तो मैं बजाय कि यहाँ पे वैन्यूली नंबर एंटर करूँ, मैं नाम को क्लिक करके व्यूपोर्ट में आके इसको लेफ्ट या राइट ड्रैग करके इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी तरह से उसकी विड्थ को लेफ्ट या राइट, तो ये मेरे पास एक बड़ा विजुअली फीडबैक हमें दे रहा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स कितने होने चाहिए, किस लिहाज से मुझे कंट्रोल करने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को आप चैनल बॉक्स में आके इनपुट्स के अंदर जाके इसकी हिस्ट्री में एडिट कर सकते हैं कि उसके कॉइल्स हाइट वेट क्या होने चाहिए, अगर इनिशियली आपसे गलत सेट हो गए हो। तो वेरी क्विकली छोटा सा रिविजन, क्रिएट मेन्यू में जाके हम पॉलीगॉन स्फीयर किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्लेन आ गया, ठीक है, इसको ग्रिड के ऊपर आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यूजली इट्स मच बेटर कि आप वहाँ पर रखें। इसी तरीके से नर्व्स में आगे स्फीयर में क्लिक एंड ड्रैग किया तो ऑब्जेक्ट आपका बन गया। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी है उसमें, तो क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ टूल सेटिंग्स इसकी यहाँ से चेक करेंगे कि भाई माया के अंदर ये टूल्स कौन से हैं और ऑब्जेक्ट को मूव और रिपोजिशन कैसे किया जाए। थैंक यू वेरी मच।